नमस्कार, पूरे यूरोपियन यूनियन में नेपाल की 3 फिल्में दिखाई जाएगी, तो जानिए इसकी पूरी डिटेल। दोस्तों, हुआ क्या कि अभी हमने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि अमेरिका के एक फिल्म हॉल में नेपाल की थेतलांग नाम की लिंबू भाषा पे बनी एक फिल्म दिखाई जाएगी 2 अक्टूबर को, और उसमें हमने कहा था कि इस फिल्म को पूरे यूरोपीय यूनियन में दिखाने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में वर्चुअल तरीके से 3 नेपाली फिल्में दिखाई जाएगी। यूरोपीय यूनियन डेलीगेशन महोत्सव है, एक फिल्म महोत्सव, ये वर्चुअल फिल्म महोत्सव कर रहा है, और ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फेस्टिवल स्पॉक के जरिए पूरे यूरोपीय यूनियन में ये सब फिल्में दिखाएगा। दोस्तों, इसमें 15 ऐसी फिल्में हैं जिनको कोई ना कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, जिनमें की 3 नेपाली फिल्में हैं और 24 अन्य फिल्में दिखाई जाएगी। तो जो इसमें 3 नेपाली फिल्में हैं जो पूरे यूरोपीय यूनियन में दिखाई जाएंगी, उनका नाम है, एक का नाम है आमा खांडो, और दूसरे का नाम बुलबुल, और एक फिल्म है सरिता। इन 3 फिल्मों को पूरे यूरोपीय यूनियन में दिखाया जाएगा उन 15 फिल्मों के साथ। इनमें 11 यूरोपीय यूनियन की फिल्में हैं, और दोस्तों इन 11 यूरोपीय यूनियन की 2 फिल्में ऐसी हैं जिनमें सब टाइटल नेपाली भाषा में रखा गया है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि नेपाली फिल्में यूरोपीय यूनियन में दिखाई जा रही हो, ऐसा कई सालों से होता आ रहा है। हमने इस पे बहुत सारी वीडियो आपको बना रखी है, पहले कभी ना कभी आ जाती है हमारे द्वारा ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताते रहते हैं कि नेपाल की ये फिल्में यूरोपीय यूनियन अमेरिका में चल रही है, ठीक है। और कभी कभी हमने आपको ये भी बताया कि रशिया में भी कभी कभी नेपाली फिल्मों को दिखाया गया है। हालांकि ये फिल्में नेपाली समुदाय के लिए होती हैं, लेकिन वहां की सरकार सपोर्ट करती है और दिखाती है, ये एक अच्छी बात है। जहां तक दोस्तों मेरा मानना है कि नेपाली फिल्मों की अपेक्षा नेपाल के जो गाने हैं वो ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है। नेपाली गाने जो हैं वो उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें हिंदी गाने आते हैं, यानी हिंदी गानों की क्वालिटी भी वही होती है जो नेपाली गानों की क्वालिटी होती है। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा नेपाली गानों की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें चोरी यानी कॉपी कम की जाती है। भारत के जो राज्य हैं वो नेपाल से काफी बड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे राज्य तो बहुत बड़े हैं, यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तो नेपाल की तुलना राज्यों से तो नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर देश के रूप में हम तुलना करते हैं तो नेपाली गानों की जो क्वालिटी है वो लगभग वही है जो भारतीय गानों की है। नेपाली गानों की क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन है फिल्मों की अपेक्षा। नेपाली फिल्में भी ठीक ही है, लेकिन नेपाली फिल्में जो हैं वो हिंदी फिल्मों के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन नेपाली जो गाने हैं वो हिंदी गानों को बराबर की टक्कर देते हैं। और दोस्तों, इसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें हमने नेपाली गानों की क्वालिटी बताई है कि नेपाली गानों की क्वालिटी कैसी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट बॉक्स में उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।